प्रदेश की जनता ने उन्हें बाहर कर दिया। अब बहुत बेसब्री हो गई है, लगातार कभी दुहाई देते हैं कि हम राज में आने वाले हैं, कभी दुहाई दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार फेल हो गई है। और कभी कहते हैं कि कांग्रेस ने ये वायदे किए थे ये पूरे नहीं हुए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब ये सरकार गई भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में ऐसे हालात खड़े कर दिए जिस पे काबू पाने के लिए लगभग एक साल का समय लग गया। 92,000 करोड़ रुपए का कर्जा और देनदारियां जयराम सरकार दे गई। भारी भरकम कर्जा जो है पीछे छोड़ गई, कर्जे का ब्याज ही देना जो है एक चुनौती बना हुआ है। कर्मचारियों का 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी, लेकिन वो पैसा कर्मचारियों को दिया नहीं। लेकिन हमने सबसे अपने कर्मचारियों से हमने वायदा किया था, जो सबसे बड़ा मसला था हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का, हमने कहा था कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। इन्होंने तो इनकार कर दिया था, भाजपा ने तो स्पष्ट तौर पे इनकार कर दिया था कि हम कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देंगे। राष्ट्रव्यापी जिसका मोदी ने इनकार कर दिया वो हमारी सरकार ने दे दी, और इसको लागू करने के लिए भी कलेजा चाहिए। हमने लागू किया है और हमारी प्रतिबद्धता है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के प्रति। आजकल आपके पास आ रहे महिलाओं को कहते हैं आपको 1500 रुपए दिया कि नहीं दिया, घर घर जाते हैं, जयराम जी आपके पास भी आते होंगे। और आपने तो 1500 को वायदा नहीं किया, वायदा तो हमने किया है, देना भी हमने है। अगर हम कर्मचारियों को ओपीएस दे रहे हैं तो महिलाओं को भी हम ही देंगे। आपने तो अपने समय में दिया नहीं, लगातार जनता को जाके गुमराह कर रहे हैं। मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसको दोस्त और दुश्मन इकट्ठे मिलते हैं, जो मेरा दोस्त होता है वही मेरा दुश्मन होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर चुप क्यों है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि विपक्ष के नेता आप हैं, जब मैं विपक्ष का नेता था तो मैं लड़ाई लड़ता था, तो आप क्यों किसी और का कंधा तलाश रहे हैं? आप मेरा कंधा क्यों तलाश रहे हैं कि मुकेश अग्निहोत्री आपको कंधा देगा? मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस पार्टी का 5 दफा का MLA है। मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस पार्टी की बदौलत आपके सामने खड़ा है, और उप मुख्यमंत्री है तो कांग्रेस पार्टी का है। जब मुकेश अग्निहोत्री ने लड़ाई लड़नी थी अपने कंधे पे लड़ी। जयराम जी अपने कंधे ठीक करो, और दूसरे से उम्मीद मत रखो कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने कोई और आएगा। उसके लिए जज्बे की जरूरत होती है, उसके लिए ताकत की जरूरत होती है। तो इसलिए जब आप विपक्ष के, हमने कहा था कि आपको विपक्ष में पहुंचा देंगे। मेरा जिम्मा था जयराम जी को सत्ता से हटाना, मुझे पार्टी ने प्रतिपक्ष का नेता बनाया था, जिम्मा दिया था कि जयराम को सत्ता से हटाना है, हमारे में दम था, हमने हटा दिया। और पीने के पानी की तो मैं यहाँ पे एक्सियन, कौन है हमारे एक्सियन और SDO साहब, नलके के लिए किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, किसी घर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारी कोई बहन और खेत को पानी पहुंचाना हमारा मकसद है, वो समय चला गया जब कंधे पे पाइपें उठा के चलते थे कि इसको दो दे दो उसके नहीं लगेगा नलका, हर व्यक्ति के लगेगा। कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्ट बसपा आप बाप कोई भी हो, लेकिन
उसके घर आंगन तक उसको नलका लगा के देना। और अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से मेरा ये आग्रह है, ये जनता की सरकार है, गरीब की सरकार है, इनकी बात जो है दिल लगा के सुने और इनको जो है जो भी डिमांड है इनकी, जो ये चाहते हैं उसके मुताबिक जो है मंडी से, यहाँ पे मुझे बड़ी शिकायतें आती है मंडी के प्रशासन से, मैं कहना चाहूंगा मंडी के अफसरों से, मैं कहना चाहूंगा कि तू भी बदल फलक, जमाना बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है, कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, जो काम करने हैं लीडरशिप को पूरी वैल्यू दो, लीडरशिप की बात मानो। और गांव में भी नेता होता है, इलाके में भी नेता होता है, ये जो दूरगामी रिश्ते रखने की कोशिश हो रहे हैं कि ये आए तो ठीक है, नहीं तो आगे को अगला जो है हिसाब किताब जो ठीक रखने की कोशिश करने की प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं, उनको इसी राज में दुरुस्त कर दूंगा मैं।